क्या लगता है कौन आएगा? मोदी मोदी आएगा। मोदी से अलावा है कौन? मोदी जी आएंगे, मोदी जी को आना भी चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं देश की, घोटाले नहीं हो रहे हैं और भ्रष्टाचार खत्म है। मोदी आएगा और कौन आएगा? हम तो केजरीवाल को देखने जाएंगे। केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्या लगता है कौन आएगा? जनता किसको ज्यादा पसंद करती है, प्रधानमंत्री मोदी को या किसी और को, या कोई और चेहरा जो है वो उनकी नजर में है, कोई और उनके लिए अच्छा काम करता है? आइए लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, किसको देखते हैं सर 2024? ये तो आपको ही पता है, मोदी से अलावा है कौन? मोदी के अलावा कोई नहीं है। क्या ऐसा काम किया मोदी? वो तो आपको ही पता है, आएगा तो आएगा। मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है क्या? राहुल गांधी? वो तो रहने दो, आप हैं तो वो आपके लिए होंगे, फिर हमारे लिए तो नहीं है। आपके लिए नहीं है, क्या लगता है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी को आना भी चाहिए। क्या बचा है देश के लिए? काफी कुछ कर रहे हैं, हमें रक्षा बजट बहुत अच्छा कर रखा है और देश विदेश में काफी नाम कर रखा है, इसलिए हम कह रहे हैं मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी आएंगे भी। अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पे क्या काम? हाँ, जमीन स्तर देखी जाए तो थोड़ा बहुत तो कमजोर रहा, बाकी वैसे मोदी जी को आना चाहिए मेरे तरफ से। फिर भी मोदी को आना, बिल्कुल मोदी जी को आना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, फिर भी तो आपकी 2014 से पहले सैलरी कितने, अभी कितनी सैलरी है, इस वजह देखो आप, सैलरी भी तो आदमी की तरफ से काफी बढ़ गई है। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहे। मोदी जी को आना चाहिए। क्या वजह है? क्या अच्छे शासक है? अच्छे शासक है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं देश की। हाँ, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। क्या कह रहे हैं? घोटाले नहीं हो रहे हैं और भ्रष्टाचार खत्म है जी, सब खत्म है बिल्कुल। क्या लगता है कौन आएगा 2024? मोदी आएगा जी। वजह है उसने अच्छे काम किए हैं सारे, टोटल काम, विदेश नीति भी उसकी अच्छी है और यहाँ भी ठीक ही कर रहे हैं काम, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी को मुश्किल है जी, राहुल गांधी का मुश्किल, लहर चल रही है राहुल गांधी की। ना ना ना, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत करने से कुछ नहीं है, करने कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करने। आएंगे तो मोदी, मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे मैडम। क्या वजह? वजह तो मैडम बहुत सारी है, लेकिन अब क्या बता? कुछ भी बता दीजिए। एक तो हमारा इंटरनेशनल पैमाने पे जो हमारे देश का नाम हुआ है, इस चीज से हम लेके बहुत खुश हैं। जैसे आजकल मैं सोशल मीडिया में जुड़ा रहता हूँ, जैसे देखता हूँ मोदी जी के बारे में, अपने देश के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के। जैसे पहले था, लेकिन अब तो बहुत डेवलप हुआ है, आबादी इतनी है, ये तो देखो नौकरी वोकरी का ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन देश के बारे में भी देखना पड़ता है सब कुछ। क्या लगता है कौन आएगा 2024? लगता तो मोदी का ही ज्यादा आना, तो ये जिस हिसाब से करें काम, इन्होंने काम किया है उतना देश में। बिल्कुल। क्या लगता है मैडम कौन आएगा 2024? मोदी आ सकता है, मोदी आ सकता है। क्या लगता है? सब कुछ सही हो रहा है देश में, सरकार ने सही कर रखा है। महिला आरक्षण भी लेकर आए हैं, लेकिन वो लागू नहीं होगा। सही है, करना चाहिए महिला लागू आरक्षण पे, करना चाहिए। क्या लगता है सर कौन आएगा 2024? मोदी आएगा और कौन आएगा? सारा काम वही कर रहा हूँ, क्या काम नहीं करा बताओ। 2014 से पहले तो काम हो रहा था, अब इतना काम नहीं हो रहा था, इतना नहीं हो रहा। नहीं, मोदी अभी 2024 के 2029 तक भी आएगा। अच्छा, अगली बार भी वही आएगा? पक्का 100%। सर क्या लगता कौन आएगा? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा, जब तक जिंदे रहेंगे तो आएंगे भाई। क्या लगता है किस तरह से देश को आगे बढ़ाया? तो आगे बढ़ाया सर, सारे काम करा, अच्छा काम करा, आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया। क्या लगता है मैडम कौन आएगा 2024 में? ये तो कुछ कह नहीं सकते कौन आएगा कौन। आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो केजरीवाल को देखने जाएंगे। केजरीवाल क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। क्या वजह है केजरीवाल को देखने की? अच्छा कर रहे हैं वो, तो अब वो उसमें क्या कर सकते हैं, बोला था ना प्रदूषण मुक्त। हाँ। अब ये वो कोशिश कर रहे होंगे, अब हाँ। पता नहीं, देखिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो एक स्मोक टावर बनाया था वो भी बंद पड़ा है, वो भी बंद पड़ा है। हाँ। अब क्या कह सकते हैं? हाँ। अब उनकी वजह से बंद पड़ा है या उनके आगे जो काम करने वाले हैं उनकी वजह से बंद पड़ा है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, केजरीवाल को देखना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने जनता से जानने की कोशिश की 2024 में किसको देखना चाहते हैं और जनता के जो व्यूज हैं वो आपके सामने, जनता की क्या राय है वो आप देख सकते हैं। किसी ने कहा केजरीवाल तो किसी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी। 2029 में रहेंगे तब भी वो आएंगे, क्योंकि देश विदेश में उन्होंने जो है भारत का नाम किया है। आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।